रोके ना रुके नैना तेरी ओर है तो मेरे गाने गाने नहीं जाने तुझको भूल जाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता जाने ये इन्होंने हम तीनों से गा लिया मम्मी के लिए हम लोग कुछ नहीं मॉम के बिना दिल क्या ये आप पर आपको 0 points मिलते हैं आपने जीते तो जरा पहला पहला प्यार है बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे भाई किसी और का गाना गा लेते मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरी जूम बॉक्स चल रही है तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ यारो जिंदगी इसका एक पल जैसे एक सदी प्यार में जियो हाय एवरीवन दिस इज अमल मलिक हाय दिस इज विपिन अनेजा हाय दिस डबू मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया फिल्मी प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर एंड शो ऑल द लव फॉर दिस चैनल यो अब आप तीनों म्यूजिकल मेस्ट्रो हैं हमारे साथ बड़ा ऐसा कम मौका मिलता है तो एक म्यूजिकल सेगमेंट कर लेता हूं आपके साथ तीनों देना एक एक सिचुएशन दूंगा उसके हिसाब से आप गाने बारी बारी से अगर किसी का मतलब अभी अभी प्यार शुरू हुआ है बड़ा अच्छा फील कर रहा है कौन सा गाना गाए कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूं ये तू कभी सोच ना सके सर आप ब्रेकअप के लिए कोई गाना बताइए अगर किसी का दिल टूट गया है टेन सेकेंड्स अलाउड है नहीं जीता रोके ना रुके नैना तेरी ओर है तो मेरे गाने गाने नहीं जाने इतने प्यारे हैं तो ये तो बहुत अच्छा गाना है रोके ना रुके तू ना मुखरा प्लीज एक बार गा दे प्लीज चॉइस मेरी है लेकिन गाना तुझे चलो साथ में तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं तुझको भूल जाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता रोके ना रुके नैना तेरी ओर है इन्हें तो रहना रोके ना रुके नैना अगर किसी को अपनी क्रश को कोई गाना डेडिकेट करना हो कौन सा गाना क्रश क्रश दिल क्या ये आप पर आपको 0 points मिलते हैं आपने जीते लो जरा ये प्रमोशन हो गई सुन लो ओके सर फर्स्ट डेट पे कोई गाना हो तो ये तो अमाल बताएगा तो पहला पहला प्यार है मेरा तू पहला पहला प्यार है मेरा इफ योर क्रश इज नेग्लेक्टिंग यू फिर कौन सा गाना होगा मेरा प्यार एक तरफा मेरा प्यार कब होगा दो तरफा मैरिज पे कोई गाना हो तो बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे क्या बात है इंस्टेंट कोई रूठा हुआ हो उसको मनाना हो तो राजा कुछ गाओ सब आएंगे सब इतने सुर में नहीं नहीं मनाना मनाने वाले गाना क्या है
भाई किसी और का गाना गा लेते, मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरी जूम बॉक्स चल रही है। बट इट्स इतना वो लोगों तक पहुंचा हुआ है, इतना अच्छा है, तो क्यों नहीं गा सकते। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया, क्या गाना? किसी को पढ़ाना, रूठे को मनाना है, रूठे को मनाना है। ओके, तो हाँ, जब तक आउट सिंह, जब तक तेरी आंच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, आप जाने की बात ना करो, हाँ मेरे पास तुम रहो, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, तो मत जाओ, रुक जाओ, गाना सुन लो। और ये बहुत स्पेशल पर्सन के लिए, मॉम के लिए कोई गाना डेडिकेट करना। मम्मी तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ, के तेरे बिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम जाने ये इन्होंने हम तीनों से गा लिया मम्मी के लिए, हम लोग कुछ नहीं मॉम के बिना। यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ। और लास्ट में BFF जो आगे बेस्ट फ्रेंड तो बगल में ही बैठे हैं, इतने कम उम्र के सबसे नौजवान सबसे हैंडसम स्टार, उनके लिए है ये दोस्ती। यारो जिंदगी इसका एक पल जैसे एक सदी, प्यार में जियो इतना जान लो, दिल ने जो कहा उसको मान लो, मैं हो गया हूँ दीवाना। आपको लिरिक्स याद है? ना 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 ना, इसे जाओ ना, शान ना ना ना, ओ ओ शान ना ना ना, ओ ओ। This is his song from मेरे दिल तुझ पे, my most favorite. एट लास्ट जो फैंस इतना प्यार दे रहे हैं गाने को, और इतने सालों से अमल आपको, डब्बू सर आपको, विपिन जी आपको इतने बेइंतहा प्यार देते हैं, उन सबको क्या बोलना चाहोगे आप? जिंदगी एक है, हर पल हर क्षण इसी पल जितना प्यार कर सको, अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने बहनों भाइयों से अपना प्यार बांटते चलो, बिकॉज इस पेंडेमिक ने हमको डेफिनेटली इतना जो सिखा दिया है कि जिंदगी बड़ी फ्रजाइल है। जितना प्यार बांट सको, जितना प्यार ले सको, जितनी खुशियां दे सको, जितने सुख बांट सको, जितना दान कर सको, जितनी चीजें आप कर सको ह्यूमैनिटी के लिए, प्लीज करिए, प्लांट्स उगाइए, अच्छी अच्छी चीजें करिए, दिन में एटलीस्ट 2 घंटे ऐसी कोशिश करिए कि किसी के लिए कुछ अच्छा हो। अगर आप इतना सा कर लें, 1-4 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, मैंने तो एक हमेशा से बोला है कि अगर एक फैमिली मुट्ठी भर अनाज, मुट्ठी भर, एक फैमिली मुट्ठी भर अनाज अगर दान करे तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोता। अमेजिंग। इसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते, इसके बाद ना ही बोला जाए। सो ब्यूटीफुल, सो आई थिंक